रेवाड़ी विधानसभा से आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे राष्ट्रीय नवचेतना मंच के संयोजक विजय सोमानी ने शुक्रवार को धारूहेड़ा में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया और धारूहेड़ा शहर और पास के लगते गांवों में रोड शो किया। विजय सोमानी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 2000 में कप्तान अजय और राव इंद्रजीत की वजह से उनका चुनावी चिन्ह कैंची जीत नहीं पाई थी, लेकिन अब की बार उनकी दोबारा लहर है और वो जीत जरूर दर्ज कराएंगे। उन्होंने कहा कि जीतने के बाद उद्योगों में स्थानीय युवाओं को रोजगार दिलाना, महिलाओं के सम्मान में काम करना, गांव में गुटबाजी खत्म करके समान विकास कराना उनकी प्राथमिकता होगी। स्थानीय उद्योगों में 24 तारीख को सोमानी विजय होगा तो बच्चों के लिए रोजगार मांगूंगा। हरियाणा और भारत सरकार से जो पैसा आएगा उसको नेताओं को, प्रशासन को, ठेकेदारों को नहीं खाने दूंगा। 36 बिरादरी के लोगों का भाईचारा स्थापित करूंगा, गांव की गुटबाजी समाप्त करूंगा और हर महीने हर पोलिंग स्टेशन पर जहां आज हम वोट मांग रहे हैं वहां पर हर महीने एक दौरा तय करेंगे। युवा वर्ग आपके साथ है? हमारे साथ युवा भी है, बुजुर्ग भी है, महिलाएं भी हैं, सभी लोग। आज रोड शो है धारूहेड़ा के अंदर, कहाँ कहाँ होंगे? हम लोग धारूहेड़ा जेल के अंतर्गत गांव आते हैं, मालपुरा, सोनियावास, महेश्वरी, कापड़ीवास, गढ़ी, आकेड़ा, नारायण विहार, गोयल कॉलोनी। इस ढंग से हम लोग धारूहेड़ा टाउन की गर्मी पर होते हुए हम सब लोग हाईवे NH8 दिल्ली जयपुर हाईवे चलते हुए गुजर घटाल और आकेड़ा होते हुए हम पुनः अपने ऑफिस तक आएंगे। उसके बाद देहात के हमारे दो और दौरे हैं, रामगढ़ और दूसरे गांव में वो करेंगे। शाम को रेवाड़ी शहर के अंदर 6, 7 और 8 तीन प्रोग्राम। आज मुकाबला मैं जो महसूस करता हूँ राष्ट्रीय पार्टी और स्टेट पार्टियों का नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय नवचेतना मंच और कुछ जो लोग पुराने जिनको आदत पड़ी हुई माल खाने की वो लोग छटपटा रहे हैं। मैं कहता हूँ उनका माल भी खा जाओ, उनके चुनाव कार्यालय में भी जाओ, उनकी सारी टेक्नोलॉजी भी चेक करो। और फिर एक पुरानी कहावत है, आप उसको मैं नहीं कहूँगा, मैं आप लोगों से उम्मीद करूँगा कि आप लोग 10 दिन, सिर्फ 10 दिन, 1 घंटा सवेरे और 1 घंटा शाम को आप 15 जो निशान हैं उनमें से 15वें निशान पर सोमानी विजय, फिर ये फोटो कैसी बिना छापे की, फोटो कैसी बिना छापे की, और आगे कैची का निशान। ये कैची 2000 में चली थी, लेकिन इंद्रजीत कप्तान ने मिलकर इस कैची को फैल कर दिया था। लेकिन अब की बार आप लोग अपने रिश्तेदार को, आपकी बात मानने वाले को, और जो बच्चे फेसबुक व्हाट्सएप करते हैं वो फेसबुक व्हाट्सएप कर देंगे, तो अगर 21 तारीख को बोटी बिछारी ज्यादा पड़ेगी और 24 तारीख का दिन तुम्हारा होगा, दिवाली तुम्हारी मनेगी, इस इलाके के हर गरीब और अच्छे आदमी की दिवाली मनेगी, ऐसा उम्मीद कर मैं आप सबका पुनः धन्यवाद करता हूँ। हृदय की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि इस 4 बार के हार के बाद भी आप लोग मेरे साथ खड़े हैं। इसके लिए मैं सर झुकाकर आप सबका अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।